अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर मिथेनॉल दिया हुआ है, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन करके बच्चों इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, मैकेनिज्म लगेगा SNAE, और यहाँ से बच्चों ये ऑक्सीजन टूट जाएगा। फाइनली जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों यहाँ पर CO वाले कार्बन पर ये ऑक्सीजन जा करके जुड़ जाएगा। जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है, उसके बीच में बॉन्ड बनता है। तो बच्चों यहाँ से ये मिथाइल जुड़ गया जा करके। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एच प्लस निकला होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो ऊपर प्लस आएगा, तो प्लस हटाने के लिए बच्चों यहाँ से एच प्लस का रिमूवल होगा। जो एच प्लस रिमूव होगा वो इस वाले ओ माइनस के पास जा करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों ये बन जाएगा COOH, ठीक है ना। अब बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब रिएक्शन कराया जाता है PCl3, PCl5, SOCl2 इन सब के साथ, तो बच्चों ये OH का रिप्लेसमेंट हो जाता है क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ। सेम टू सेम जैसे आपने अल्कोहल में पढ़ा है वैसे ही। तो बच्चों यहाँ से मिथाइल हो गया, और यहाँ पर ये बन गया एसिड हैलाइड, COCl में कन्वर्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब बच्चों इसका रिएक्शन कराएंगे फिर से मिथाइल NH2 बोले तो एमाइन के साथ। तो बच्चों एमाइन क्या है, एमाइन फिर से एक न्यूक्लियोफाइल बन गया बच्चों। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन करके इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, और क्लोरीन बच्चों यहाँ पर लिविंग ग्रुप है, तो फिर से मैकेनिज्म लगेगा SNAE वाला, और यहाँ से बच्चों ये क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा। जैसे ही क्लोरीन हटेगा तो बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में बनेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ तो देखिए एस्टर है ही, और यहाँ पर बच्चों बन जाएगा NHM, एमाइड बन जाएगा, 2 डिग्री का एमाइड बनेगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ से नाइट्रोजन का जब अटैक होगा तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज हटाने के लिए वहाँ से एच प्लस का रिमूवल होगा। जो एच प्लस निकलेगा वो इस सी एल माइनस के साथ HCl बाई प्रोडक्ट बनाएगा। कुल मिलाकर एच प्लस यहाँ से हटेगा, तब जा करके NH बनेगा, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि आंसर कौन सा होगा, तो आंसर बच्चों बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में बच्चों सबसे पहला नंबर एन हाइड्राइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। आपको पता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा बच्चों, दोनों तरफ के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस करेगा बच्चों। बोले तो कार्बोनिल जो कार्बन है ना, उसका रिडक्शन होगा, यहाँ से ऑक्सीजन टूट जाएगा। तो बच्चों फाइनली यहाँ पर ये बन जाएगा CH2OH, और ये भी बनेगा बच्चों CH2OH। आपको पता होगा जब एनहाइड्राइड का रिडक्शन होता है ना बच्चों, तो सबसे पहले ये टूटता है, यहाँ पर HH जोड़ दीजिए, तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, RCHO और दूसरा पार्ट बच्चों इसको आर डैश कर लेते हैं, RCOOH, है ना बच्चों। चूंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका फिर से रिडक्शन होगा, ये बदलेगा RCH2OH में, और बच्चों ये दूसरा पार्ट भी फिर से रिड्यूस होगा बच्चों, और ये बन जाएगा CH2OH। तो इस प्रकार से दोनों कार्बोनिल कार्बन जो है वो बच्चों एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फाइनली फाइनली बच्चों क्या हुआ, तो फाइनली ये हुआ यहाँ पर कि ये कार्बन CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बन भी बच्चों CH2OH में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा ए प्रोडक्ट है। अब इसके बाद बच्चों आ जाता है PCC। तो PCC क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो बच्चों यहाँ पर बन जाएगा CH डबल बॉन्ड हो, और ये भी बन जाएगा CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये जो बना बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट भी बन गया। अब आ गया हाइड्राजिन बच्चों, हाइड्राजिन क्या करेगा, तो हाइड्राजिन में देखिए क्या, एक प्रकार से अमोनिया डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड कीटोन का जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन होता है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड का जब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिमूवल होता है, तो आपको पता है मैकेनिज्म कौन सा लगता है, SNAE।
और यहाँ पर फिर से H2O का रिमूवल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से भी तो H2O का रिमूवल हो सकता है। तो जैसे ही आप यहाँ से H2O का रिमूवल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर CH डबल बोन N, और यहाँ पर भी बच्चों CH डबल बोन N, और ये आपस में जुड़ जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर B में। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों सबसे पहले कहता है कि CO2 का रिमूवल कीजिए। कैसे करोगे आप? तो CO2 का रिमूवल करने के लिए बच्चों ये एनायन को यहाँ सेट कीजिए, मतलब ये वाला जो चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो बच्चों यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो फिर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन हमें अगले कार्बन पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से CO2 का रिमूवल हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? ऐसा करने से इस कार्बन पर तो क्लोरीन और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर बच्चों क्लोरीन, ठीक है ना। ये जो बना बच्चों वो ए बना। फिर उसके बाद कहता है HCl का रिमूवल कीजिए। तो HCl का रिमूवल कैसे करोगे बच्चों आप? जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसको अल्फा मान लीजिए और बीटा कार्बन पर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से क्लोरीन को हटा देंगे बच्चों। जैसे ही क्लोरीन को हटाओगे आप यहाँ से, जैसे ही क्लोरीन को आप यहाँ से हटाओगे बच्चों, तो फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा बच्चों कि यहाँ पर डबल बोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए HCl का रिमूवल करने का मतलब यह है कि एलिमिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर HCl रिमूव कैसे होगा, यहाँ पर सबसे पहले H+ दीजिए, तो H+ का कोई सोर्स तो दे नहीं रखा है, और फिर H+ देने के बाद फिर कहता है कि यहाँ से HCl रिमूव कीजिए E2 मैकेनिज्म के द्वारा। नहीं समझ में, अभी समझाते हैं एक बार फिर से। ये जो एनायन बना बच्चों, अगर इसको H+ दे दिया जाए, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया तो नहीं गया है लेकिन कुछ चीज़ें माननी पड़ती है, ठीक है ना, सेल्फ अंडरस्टूड लेकर चलना पड़ता है। तो H+ दे दें बच्चों तो ये कुछ इस तरह का ही तो बनेगा ना, इस तरह का बन गया। अब बच्चों इसमें हमें मान लो E2 मैकेनिज्म लगाना है और HCl का रिमूवल करना है, ठीक है ना। तो उस तरह से बातें हो रही है। तो यहाँ से H है ना बच्चों, और यहाँ से ये हटा दीजिए, या इसको अल्फा मान लीजिए और बीटा से हाइड्रोजन हटा लीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये बन जाएगा ना। अब जैसा कि ये तो बन, जो भी बना बच्चों ये बी बन गया, ठीक है ना। अब उसके बाद एक्वास केवज, एक्वास केवज का करने का मतलब यह है कि ये कहना चाहता है कि अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए। क्या कीजिए बच्चों? हाइड्रोलाइसिस कीजिए। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे बच्चों, वैसे तो बहुत मुश्किल है, होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है, डबल बोन कैरेक्टर के कारण ये पुअर लिविंग ग्रुप बना हुआ है, तो बहुत मुश्किल है। बट फिर भी बोला है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लोरीन का रिमूवल करेंगे बच्चों। तो क्लोरीन का जैसे ही रिमूवल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस कार्बन में OH आकर के जुड़ जाएगा। अब ये जो बना, ये बन गया इनोल कंपाउंड बना। क्या बना? इनोल कंपाउंड बना। अब आपको पता है इनोल से ज़्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होता है, तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। डबल को सिंगल कर दीजिए और सिंगल को बच्चों डबल कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, ठीक है ना, प्रॉपर वे में लिखा नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन स्टेप इसको फॉलो करते हुए हमें प्रोडक्ट पर पहुंचना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर तो ए होगा ही, बस कुछ चीज़ें हैं कि हमें मान के चलना पड़ रहा है इसमें, आप भी मान लीजिए।